नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद। और हम इस वक्त मौजूद हैं अररिया विधानसभा के मदनपुर पूर्वी पंचायत में। हालांकि ये सड़क के किनारे बसा हुआ पंचायत है और वर्तमान में यहाँ की मुखिया सोनी देवी हैं, जो कि एक महिला हैं। 9000 यहाँ की आबादी है। कहीं ना कहीं से जो यहाँ की 9000 की आबादी है, वो कितना उनका विकास हो पाया, तो इस बार सीधे तौर पर सोनी देवी को चुनौती देने के लिए मैदान में दीपक भगत जी आए हैं। एकदम युवा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। कुशल व्यवसायी हैं, अभी इनसे मेरी बात हो रही थी। तो व्यवसाय के क्षेत्र में इन्होंने अपनी, आप कह सकते हैं कि एक पॉपुलैरिटी पा रखी है इस इलाके में। लेकिन जनता इस बार मुखिया का सरताज इन्हें पहनाएगी या नहीं पहनाएगी, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दीपक जी से हम अभी सवाल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जब ये जनता के बीच अभी जा रहे हैं, तो जनता को इनसे क्या उम्मीदें हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दीपक जी, जो कि काफ़ी युवा हैं आप, और आप बता रहे थे कि आप व्यवसायी भी हैं, आप एक कुशल और एक सफल व्यवसायी हैं। व्यवसायी होना और राजनीति के क्षेत्र में, चूँकि मुखिया भी कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल विंग ही माना जाता है, दोनों में काफी अंतर है, क्या लगता है आपको कैसे पाट पाएंगे आप इस दूरी को? इस दूरी को तो सर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में आज के डेट में जो महिला मुखिया हैं, उनके द्वारा जो भी काम या पंचायत के विकास के लिए किया गया, वो सराहनीय नहीं है। और एक महिला कितना कर सकती है काम, इसको तो आम पब्लिक ही बताएंगे। दीपक जी, इंदिरा गांधी भी महिला ही थी, आप महिला को चुनौती मत दीजिए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पंचायत की जो महिला मुखिया हैं सोनी देवी जी, उनके बारे में बोल रहा हूँ। चूँकि वो कभी राजनीति से बिलोंग नहीं की और न ही राजनीति से जुड़ी हुई लोग थी। उनके हस्बैंड थे हमारे सरदार जी, उनको कहा जाता था नाम से, देवी सरदार नाम थे, वो पंचायत सेवक थे और लोगों ने उनको देख करके वोट दिया। वोटिंग जो मेरे पंचायत में है वो सरदार जी को देख के वोटिंग हुआ। सरदार जी अच्छे छवि के लोग थे, काम होगा, लेकिन बेचारे नहीं रहे कुछ ही दिन। पति के नाम पर पत्नी जीती? जी जी जी, पति के नाम पर पत्नी जीती। और मेरे पंचायत का दुर्भाग्य कहा जाए इस बात को कि हमारे सरदार जी नहीं रहे हम लोगों के बीच, जो मेरा पंचायत जिस उम्मीद से हमारी जनता उनको चुन के बनाए गए थे, वो नहीं आ पाए। आपको लगता नहीं है दीपक जी कि सोनी देवी के हस्बैंड नहीं रहे, जैसा बता रहे हैं खुद सरदार जी, तो एक सिंपैथी वोट तो फिर वो पाने की कोशिश करेगी, तो आपको तो कड़ी टक्कर मिलेगी? हो सकता है कि वो तो पब्लिक या आम जनता के बीच की बात है, लेकिन हम जो अपने स्तर से जान रहे हैं कि पंचायत में वैसा कोई वर्क वैसा नहीं हुआ जो उनको उस ढंग से वोट दिया जाए या वोट मिला जाए। दीपक जी, आपकी नज़रों में विकास का क्या पैमाना होना चाहिए, और जो सोनी देवी हैं जो आपकी मुखिया हैं अभी, वो किन मुद्दों पे खरी नहीं उतर पाई? हमारे पंचायत में सोनी देवी मुखिया हैं जरूर, लेकिन सोनी देवी तो कुछ नहीं है, जो भी करते हैं हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं वो लूट मचाए हुए हैं। जैसे आवास में ही लिया जाए, 15 से 20 हजार रुपया एक एक गरीब लाभुक से लिया जाता है। एक शौचालय के नाम पर 2-2 हजार रुपया लिया जाता है। तो ये सब तो मतलब लूटने वाली बातें हैं जो हमारे पंचायत के लोगों से लूटा जा रहा है। जी, सड़कें बनी आपके यहाँ? बनी है, कुछ सड़कें बनी है। क्या स्थिति है सड़कों की? है आधा अधूरा, कुछ बनी है, कुछ बेकार है, कुछ बनी तो टूट गई, ये स्थिति है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की क्या स्थिति है आपकी? मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की तो ये फ्लॉप योजना है, जो जैसे हमारे यहाँ जो नल जल की योजना है, ये फुल्ली फ्लॉप योजना है। आज हर जगह टंकी तो लग गई है, लेकिन कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पाइपलाइन की कोई व्यवस्था है। आप पानी पिए कि नहीं पिए अभी तक? पानी क्या, जब पानी ही नहीं आ रही है तो पानी क्या पिएंगे? और यही वजह है कि आप इस बार सोनी देवी जी को पानी पिलाएंगे आप? जी जी जी, बस मकसद तो यही है।
चलिए, मुख्यमंत्री नल जल योजना का भले ही पाइप यहाँ नहीं लगा हो, लेकिन यहाँ की जो मुखिया है वो दावा कर रही है कि उन्होंने नल जल योजना के तहत पाइप लगवा दिया है, लेकिन दीपक जब इस तैयारी में है कि उन्होंने भले ही पाइप का पानी पिया हो कि ना पिया हो, लेकिन मुखिया जी को जरूर इस बार पानी पिलाएंगे।